दोस्तों नमस्कार, हमारा चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम झींगा मछली और कोहड़ा एक मिला के बनाएंगे। चलिए हम पहले मछली के धो लेते हैं। झींगा मछली के देखिए, झींगा मछली है और कोहड़ा है, अब इसी को मिला के हम एक बनाएंगे। धो झींगा मछली धो ले हम पहले, चलिए धो लेते हैं। ले चलो ना, तो देखिए झींगा मछली है, इसको हम तोड़ लेते हैं। सूंड इसको ये इसको बढ़िया से तोड़ लेंगे और अब इनको धोएंगे तोड़ के हम लोग। दोस्तों देखिए टूट लिए बढ़िया से, अब इसको धो लेते हैं। दो मछन ले जी नौकर जाओ मछन लेकर कोहड़ा काट लेते हैं। अब झींगा मछली में डालेंगे। एक कोहड़ा है, बिया निकाल देंगे छील के। देखिए इसको मोटा मोटा छिलका होता है, इसको बढ़िया छील लेते हैं। चलिए मसाला पीस लेते हैं। देखिए जीरा है, हल्दी है, मिर्चा है, लहसुन है, गोलकी है, इतने मसाला इसमें पड़ेगा। कोहड़ा तो छील लिया, अब इसको काट लेते हैं। कितना लोग सीताफल बोलता है, कितना लोग कोहड़ा बोलता है, इसे कितना छोटा छोटा काटना पड़ता है। कोहड़ा काट लिया बढ़िया से, इतना बारीक से, इसको छिलका बड़ा मोटा होता है। अब काट लिया होगा, अब चलिए इसको धो लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें सरसों तेल डाल देते हैं हम। थोड़ा हल्दी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा नमक, अब इसको मिला लेंगे बढ़िया से। ये तेल गर्म हो गया है, इसमें झींगा मछली डाल देते हैं। इसको बढ़िया से भूनेंगे।
कुहा का धो लेते हैं अब धो के बढ़िया सब इसको। देखिए भून लिया हम कितना बढ़िया, अब उसे उतार लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, अब तब इसको में मसाला आई थी भूजेंगे कोहड़ा। देखिए प्याज काट लेते हैं फोरन के लिए, इसमें फोरन डालेंगे प्याज और सूखा मिर्चा। ये देख कढ़ाई गर्म हो गया, सरसों तेल डाल देते हैं, सूखा मिर्चा डाल देते हैं फोरन के लिए, प्याज डाल देते हैं फोरन, प्याज और मिर्चा इसमें दो फोरन पड़ता है। ये प्याज फोरन जल गया है, अब इसमें मसाला डाल देते हैं। कोहड़ा किसी में डाल के भूज लेंगे मसाला में। देखिए इसमें नमक और स्वाद अनुसार डाल देते हैं। देखिए बढ़िया से भुजा गया, अब चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। अब मसाला भुजा गया कोहड़ा, देखिए पानी डाल दिया, अब इसको खोल जाएगा तो इसमें झींगा मछली डाल देंगे। कोहड़ा मसाला भून लिया, इसमें डाल देते हैं हम झींगा मछली। देखिए इसमें बढ़िया से चला लेते हैं। देखिए हमारा मछली बन के अब तैयार हो गया है, अब इसको उतारेंगे। अब उतार लेते हैं। बोलो दोस्तों, दाल भात मछली बन के तैयार हो गया है। चलिए खाना हम काट लिए हैं आप लोग के लिए, खाने के लिए आइए हम खाने को शुरू करेंगे। झींगा मछली और कोहड़ा बहुत स्वादिष्ट हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है। दोस्तों झींगा मछली कोहड़ा खूब स्वादिष्ट हुआ था, खूब बढ़िया हुआ है।
आपको बनाने का मन करे तो हम जैसे बनाए वैसे बनाइए, और कमेंट में लिखिए जो कैसा हुआ था। हमारे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर अगला रिश्ते में आप लोगों से मिलते हैं हम। नमस्कार।